तो जैसे एक लड़की भी जब पैदा हुई और जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, क्योंकि उसकी एक इंडिपेंडेंट सोच है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, उसके अपने सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो सोचती है कि मैं बड़ी होकर ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन पेरेंट्स उसकी जो ये फीलिंग्स है उसको दबा देते हैं कई बार। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अगले घर जाना है और अपने आप को उस हिसाब से ढाल लो, अभी से ही ढाल लो, क्योंकि वहां आगे जाने के बाद भी तुम्हें ढलना ही पड़ेगा। तो ये कहीं ना ठीक है। कहीं उसको अपने इमोशंस को किल करना पड़ता है। वो सोचती है कि मेरी अपनी ओपिनियन या व्यूज तो कुछ है ही नहीं, कोई मायने नहीं रखते, और वो बहुत ज्यादा हर्ट होने लग जाती है, इमोशनल पेन में आ जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं समझती हूं कि इस समय बहुत लोगों का माइंड का जो सोचने का तरीका है वो परिवर्तित हुआ है। फिर भी अगर कहीं ऐसा सोचते हैं और सोचकर ये समझते हैं कि हम बच्ची की इतनी डिमांड्स या बच्ची जो इमोशंस उसकी है, ऐसे ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो उसे नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उनके कुल की रस्मों रिवाज कुछ इस प्रकार की चलती है। वो ये समझते हैं हमारे परिवार में ऐसा फैशन या इस स्थानों पर लड़की का जाना या इस रूप से उसका जीवन व्यतीत करना, ऐसा हमारे परिवार में कभी नहीं हुआ। और अगर आज हमारी बच्ची ऐसा करेगी तो ना जाने हमें कितनों का सामना करना पड़ेगा और कितनों को सामने सामने कोई बातें सुननी पड़ जाएंगी। इसलिए वो बच्ची को कई बार सप्रेस करते जी हैं, और ये भी साथ थोड़ा सप्रेस करते हुए जो शब्द यूज करते हैं कि यहाँ तो सिंपल जीवन जैसे हमारे परिवार की रस्मों रिवाज है वैसे ही चलो, लेकिन जब अपने घर जाओगी तो जैसा चाहिए वैसा ही वैसा कर कर लेना। लेना। हाँ अब जब उसको बार बार हर बात में यही कहा जाता है, जब वहां जाओगी जैसा चाहिए जैसा पहनना जैसा घूमना वैसे ही कर लेना, लेकिन यहाँ हमारे परिवार की रस्मों रिवाज ऐसे नहीं है, तो कई बार वो माँ बाप की इज्जत को समझकर अपनी इमोशंस को दबा देती बिल्कुल है और इस इंतजार में होते हैं कि चलो जब अपने घर जाऊंगी तो वहां जाकर के जो चाहे मैं कर लूंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कई बार उसके इमोशंस दबे के दबे रह जाते हैं, क्योंकि जिस घर में जा रही है उनकी भी तो कुछ मान मर्यादाएं हैं। उनके भी अपनी कुछ रीति रस्म होंगे। वो फिर कहीं ना कहीं फिर उसको कहते हैं कि तुम्हें हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग चलना है अब। क्योंकि जब आपके पेरेंट्स ने अपने अनुसार चलाने की कोशिश की है तो जो इन लॉज हैं वो उनके भी तो भी अपने रस्म रिवाज या फैमिली बैकग्राउंड होगा, वो भी तो वैसे ही चाहेंगे। बिल्कुल तो जिस समय ऐसी बात सुनती है तब वो सप्रेस्ड होती है कि आखिर माँ बाप ने कहा था वहां जाके सब कुछ करना जी और सोचा चलो वहां जाके पहनूंगी खाऊंगी घूमूंगी, लेकिन यहाँ आते ही क्या सुनने को मिल गया, सिचुएशन बिल्कुल उलट हो गई। उलट हो गई। तो बहुत उस समय इमोशनली हर्ट अपने को समझती है। और मैं समझती हूँ माँ बाप से इस कार्य का शुभारंभ होना चाहिए कि बच्ची के इमोशंस को दबाए नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपके परिवार में इतना फैशन नहीं चलता है और बच्ची ऐसी सोसाइटी में, ऐसी कॉलेज में, ऐसे स्कूल में इस प्रकार के गर्ल्स के कनेक्शंस में आती है, जो वो गर्ल्स कोई फ्री सोसाइटी से ज्यादा मूव करने वाले जी हैं या बहुत अच्छे रूप से चलने वाले हैं, तो वो चाहती है मैं भी कहीं बैकवर्ड ना कहलाऊं हाँ, मैं या भी इन ऊंचा जैसा बनू, बनूं, मेरा लाइफस्टाइल भी वैसा हो वैसा जाए। होना चाहिए। तो माँ बाप को कुछ अंकुश रख लेना चाहिए और बच्ची को भी थोड़ा समझदार बनाना चाहिए कि बेटे हमारे परिवार में इतना नहीं है, कोई बात नहीं इतना थोड़ा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा इस लकीर से जरा बाहर ना जाना। मतलब कि थोड़ा पेरेंट्स की बात मानी जाए हाँ और थोड़ा जो वो लड़की है उसकी बात मानी बात, जाए, मतलब ताकि दोनों की ही बात रख ली जाए एक तरह से। हाँ मानो उसको दबाया इतना नहीं जाए, थोड़ी उसकी बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो मूव कर रही है, जिन फ्रेंड्स के सर्कल में उसे सारा दिन रहना है, उसको अंदर से आता है कि मेरा क्या होगा। तो माँ बाप को थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल और ठीक इसी प्रकार जब ससुराल में जाती हैं तो ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि हमारी बेटी जब ये कुछ नहीं करने देते थे तो उसे यही कहते थे कि बेटी तू जाएगी ना अपने घर जैसा चाहिए कर लेंगे, बिल्कुल आज ये बेटी भी हमारे हमारे घर घर में आई इन्हीं है। बातों को सुनकर आई। बिल्कुल
आज इस बेटी को हमें कैसे थोड़ी स्वतंत्रता देनी है, जो हमारे परिवार में धीरे धीरे वो स्वतंत्रता कॉमन होती चली जाए। कोई तो शुरू करेगा ना। अगर मैं कहूँ ये सारे हमारे ऐसे ही चले हैं, इसलिए अभी सबको ऐसा ही चलना है, तो ये कोई रस्म को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करने वाला भी तो कुछ चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा, जिसमें ज्यादा घर की परेशानी नहीं, इज्जत नहीं जाती, और बच्चे थोड़ा फ्री होकर के कुछ पहनना चाहती है या किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहती है, तो उसको इतना रोकना नहीं चाहिए। हाँ, पति है उसका और पति के साथ जाती है, अगर साथ भी नहीं है तो आपस में विश्वास इतना होना चाहिए कि जिस अच्छे कुल की लड़की हम लाए हैं, जिस परिवार में इन पर पूरा अंकुश रहा है, बच्ची कभी निरंकुश नहीं बनेगी, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसे धीरे धीरे इसी रंग में रंगेंगे जैसे हमारे बच्चे चले हैं। लेकिन थोड़ा इसकी भावनाएं और अभी नई आई है, जो इसकी इच्छाएं हैं थोड़ा पूर्ण करने के लिए सहयोगी जरूर बने। अगर उनके अंदर ये भावनाएं आ जाएंगी तो मैं समझती हूँ प्रारंभ में ये उसके मन में जो दबे हुए विचार थे वो जागे, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझती जाएगी कि मैं जिस घर में आई हूँ उस घर की मान मर्यादाएं या उस घर के वासी या उसके संबंध रखने संबंधी सब किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, वो थोड़ा उस प्रभाव से प्रभावित होते हुए अपने आप को स्ट्रेस नहीं समझेगी, लेकिन ये समझेगी कि इस परिवार में चलने के लिए मुझे पारिवारिक नियमों को ठीक बनाए रखना चाहिए।